वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त बलाज और आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट भिंडी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने सबसे पहले चढ़ाया हुआ था ऊपर ताकि वो गर्म हो जाए, तो अब वो इतना गर्म हो चुका था कि हम उसके अंदर चीज़ डालें। तो सबसे पहले आपको वो ये मिर्ची डालेंगे उसके अंदर। फिर आपने हल्का हल्का मिक्स कर लेना, फिर साथ ही आप इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने लहसुन डाल लिया। अब दो मिनट तकरीबन फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। और साथ ही इनको आप लोग मिक्स करें। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो अभी उतने में वो जितने में फ्राई होते हैं उतने में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ये जो मैं कुकिंग कर रहा हूँ इस वक्त की, मैं खुद से कुकिंग नहीं करता, ये मेरी मम्मा भी, मैं मम्मा से भी कुछ पूछता हूँ और वो मेरी हेल्प करती हैं। तो हेल्प करती हैं। तो मैं ना आज भी मम्मा से आप लोग दुआ करें कि मैं अच्छी कुकिंग करूँ और बिना मम्मा की हेल्प के साथ करूँ, क्योंकि इंशाल्लाह आगे जा कर मैं बिना मम्मा की हेल्प के साथ और बिना मम्मा की हेल्प लिए कुकिंग करूँगा। आज हम लोग ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाबा को मैं ऐसे सरप्राइज करूँ कि उनको पता न चले कि ये ना मम्मा ने बनाया है ना। तो आज देखते हैं कि वो जज कर पाते हैं कि ये मैंने बनाया है कि मेरी मम्मा ने बनाया है। तो इस वक्त हमारी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। चले अब हम इनके अंदर प्याज डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि भिंडी कितनी प्यारी फ्राई हो रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप लोग यहाँ होते तो आप लोगों की भी खुशबू आती। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारे तरीके से फ्राई हो रही हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। चमचा निकाल के किसी जगह रखेंगे आप लोग और अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। प्याज फ्राई होने तक हम फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल देंगे। तो इसको फ्राई होने तक मैं डाल देंगे। तो अब क्या हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। इतना नमक आ डालेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे। इतनी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद हल्दी, और अब हम लोगों ने चीजें डाल दी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। कलर देखिए कितनी फ्रेश सब्जी है ये। तो ये भी देखिए इसका भी कितना कलर प्यारा है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। थोड़ा फैला फैला के टमाटर डालेंगे आप। तल गए जी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। दम लगाने के लिए आप आंच स्लो कर देंगे। तो आंच होगी स्लो, चम्मच आप बाहर निकाल लेंगे, ढक्कन दे देंगे और दम लगा देंगे।
तो इस वक्त हम लोगों ने ढक्कन उसके ऊपर रख दिया। अब हम दम लगने तक उसका वेट करते हैं। जितनी देर में दम लगता है उतने में हम किचन को थोड़ा संभाल लेते हैं। कुछ देर अभी इनको वॉश कर लेते हैं हम लोग। यहाँ वॉश करके रख देते हैं, मम्मा भी खुश हो जाएंगे। तो अभी हमने चीज़ें धो दी है। अल्लाह ताला हमें हमारे खाने में बरकत लाए और हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ हम उस कबर्ड को भी अभी बंद कर देते हैं। ओ यार, मैं तो सारी वाली चीज़ें ही नहीं संभाल ली। तो इनको भी संभाल देते हैं। शुक्र है यार, मुझे याद आ गया। पाई को पराठे रहने देते हैं कोई किसी चीज़ में अगर जरूरत है पेश आ गई तो। तो अब हम इस कबर्ड को बंद कर देते हैं। इस वक्त हमारी कबर्ड हो चुकी है बंद। तो आप लोग मुझे कमेंट भी कीजिए कि वीडियो मेरी किस तरह की आती है, क्योंकि मैंने पिछली मेरी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने इस वक्त अभी अपलोड की हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग मुझे मैंने देखा कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करें कि मेरी वीडियोज़ कैसी बन रही हैं, और मेरे लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और बस यही कहना चाहता था। मैं चेक करता हूँ कि कैसे बनाए। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। अब हम चम्मच के साथ इसको थोड़ा हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हालांकि करम और फजल से काफ़ी अच्छा कलर आया इसका। माशाल्लाह, आप लोगों को कैसा कलर लगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा हो गया इसका टेस्ट भी। फंटेस्टिक, परफेक्ट टेस्ट है इसका। और चीज़ें गल भी गई हैं। तो इसी के साथ मोहम्मद बलाल मेरान को दीजिए इजाज़त। थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी बनी है और इस साल का। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं साल कितना माशाल्लाह कितना प्यारा बना है। तो माशाल्लाह फंटेस्टिक। राज मेरान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और मेरे चैनल को मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।